शुरू करने की बात कही गई थी। ये हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, मुझे तो इस स्टूडेंट को फंसाना है। लेकिन मैंने ये देखा है, खरा तल पर नहीं सोचा गया स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करने की क्या साजिश की? आम आदमी की बात, गच्चे उठ रही है यहाँ पे। मैं हूँ आशीष पराशर और आज हम हैं राजधानी जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में। राजस्थान विश्वविद्यालय का सेशन शुरू हो चुका है और सेशन शुरू होने के साथ जो चीज़ शुरू होनी चाहिए थी वो अभी तक कहीं ना कहीं एक मिसिंग सी नज़र आ रही है, जो है पढ़ाई। वो माहौल नहीं बन पाया, लेकिन दूसरा माहौल जो राजस्थान विश्वविद्यालय जिसके लिए प्रसिद्ध है वो है चुनाव का माहौल, यहाँ पर बनना शुरू हो गया है। 3 साल पहले चुनाव वापस यहाँ पर शुरू हुए थे और चुनावों में लिंग दो कमेटी की सिफारिशों को लागू करते हुए चुनाव शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव रंग पकड़ता जाता है लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें हैं वो कहीं नज़र नहीं आती। और आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। जो लोग हमारे साथ यहाँ पर बने रहेंगे मैं उनका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं प्रताप सिंह जी खाचरियावास, विधायक हैं और राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। विमल चौधरी जी हमारे साथ हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और अधिवक्ता हैं। सोमेंद्र शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीति में सक्रिय हैं लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। पुष्पेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं। जितेंद्र श्रीमाली जी हमारे साथ हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद से जुड़े बीजेपी के नेता हैं। सुमित भगासरा हमारे साथ हैं, एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शैफाली मीणा हमारे साथ हैं, महारानी कॉलेज की अध्यक्ष हैं। ये सब चर्चा में लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। हम चाहते थे कि विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कोई यहाँ पर मौजूद हो, लेकिन लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन शायद छात्रों की बात या इस विषय पर चर्चा भी नहीं करना चाहता है। सबसे पहले मैं आऊँगा प्रताप जी आपके पास। प्रताप जी, लिंग दो कमेटी की सिफारिशों पर बार बार चर्चा होती है, चुनाव उससे कराए जाने की बात होती है, लेकिन जब माहौल बनने लगता है तो पढ़ाई कहीं ना पीछे छूटती है, चुनावी माहौल हावी होने लगता है पूरे कैंपस पे। आशीष जी एक बात आप समझ लें, ये हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, इसको हम रोज बांध नहीं सकते। ये स्कूल के बंधन से निकल कर आया है। जब हायर एजुकेशन में स्टूडेंट आता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, तो वो ये तय करके आता है, 18 वर्ष को पार करके आता है। इस देश में 18 वर्ष के वोटर को एक जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, वो ये तय कर सकता है कि लोकसभा किसकी होगी, विधानसभा किसकी होगी, इस देश पर राज किसका होगा। ऐसे में बार बार जब मीडिया अटैक करता है स्टूडेंट्स पर कि देखिए पढ़ाई कहीं नहीं नजर आ रही, यही स्टूडेंट आपको टॉप करता हुआ नजर आता है, परसेंटेज लेता हुआ नजर आता है, ये आप उसको, इसका टाइम टेबल फिक्स है, ये पढ़ता भी है, दौड़ता भी है, भागता भी है, लेकिन इसकी जवानी को आप बांधना चाहते हैं। जवानी किसी बंधन में नहीं बनती। आज इस स्टूडेंट को जो समाज और सरकार के बीच की बैलेंसिंग पावर के रूप में इस देश में जाना जाता है, जब जब समाज पर पार्टीबाजी से ऊपर उठकर मैं ये बात कर रहा हूं, किसी भी सरकार ने जुल्म किया तो इस देश में बैलेंस का काम स्टूडेंट पावर ने किया। प्रताप जी एक सवाल बार बार, मैं उस सवाल की तरफ आ रहा हूं, सवाल बार बार उठता था, आखिर फिर लिंग दो कमेटी की सिफारिशें लागू करने की जो बात थी पूरी तरह से लागू हो, आखिर वो कहीं ना कहीं एक मिस्टेक क्यों हो रही है? देखिए एक बात तय कर लीजिए, लिंग दो कमेटी लगभग लागू की गई है, लेकिन क्या पूरा भार इस राजस्थान यूनिवर्सिटी या कॉलेजों पर ही डाला जाएगा? कई बार कई फैसले गलत भी होते हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मैं कह रहा हूं इनको भी सख्त कर दीजिए, लेकिन कोई स्टूडेंट एक पोस्टर लगा दे, कहीं नारा लगा दे, तो क्या उसका मिसयूज नहीं हो रहा? आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का वीसी हो या कोई भी हो, वो कहीं सोच लेगा कि मुझे तो इस स्टूडेंट को फंसाना है, झूठा मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। कहीं ना कहीं लिंग दो कमेटी में कमियां हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव हो रहे हैं, तो स्टूडेंट की मजबूरी है, वो मैदान में उतरता है इन बंधनों के बीच में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करता है। मैं आज कह रहा हूं आपको, जब कहीं गलतियां हो जाए तो उन गलतियों में सुधार होना चाहिए। पढ़ाई कहीं पीछे नहीं छूटी है, पढ़ाई के मामले में इस राजस्थान यूनिवर्सिटी कमजोर नहीं है। जो स्टूडेंट आज, एक स्टूडेंट क्लास में जा रहा है, उसमें क्लास में संख्या, कहीं आप जाइए, कई बार क्लास में आप जाएंगे फुल मिलेगी आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी क्लास, कभी जाएंगे कम मिलेंगे, कभी जाएंगे ज्यादा मिलेंगे। आप ये एक बात बता दीजिए, सारा काम जो भी डिसिप्लिन का काम है वो पूरा स्टूडेंट के ऊपर ही लादा जाएगा, किसी और पर भी होगा। दूसरे पक्ष को भी देखना चाहिए। सोमेंद्र जी आपके पास आऊंगा, जो उन्होंने एक सवाल उठाया कि बार बार लिंग दो कमेटी की जो सिफारिशें थी उनको सही, उसमें कुछ खामियां भी थी, कुछ कमियां भी थी, अगर उनको एक प्रारूप दिया जाता कहीं ना कहीं, क्या लगता है आपको, क्या चुनाव कैंपस में जरूरी है? मैं प्रताप जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। जब भारत में लोकतंत्र का
प्रहरी युवाओं को बना दिया गया, 18 वर्ष का मताधिकार दे दिया गया और उनको उनके विवेक पर विश्वास किया गया कि ये इतने विवेकवान है कि कौन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, इसका फैसला जो है वो 18 साल से लेकर 25-30 साल तक का युवा करेगा। तो आप एक बार कोई माहौल यूनिवर्सिटी में खराब हुआ, उस खराब माहौल को लेकर हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी कर दी, उस टिप्पणी करने पर 2-3 साल तक 4 साल तक चुनाव रुक गए। मैं पूछना चाहता हूँ, यदि चुनाव होने से शैक्षणिक माहौल खराब होता है तो पिछले 3 साल पहले 4 साल तक चुनाव नहीं हुए, कितने मेरिट ईयर स्टूडेंट निकल गए, कितना शिक्षा का स्तर आपने बढ़ा दिया। और 3 साल से लिंग दो कमेटी चल रही है, 80% पर महारानी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता, 82% पर कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। जब आपके इतने पढ़े लिखे स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो क्या आप सोचते हो 82% का या 80% का स्टूडेंट, उसको मालूम नहीं है उसको कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना। 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो रहा है और अगस्त में चुनाव हो रहे हैं। मैं प्रताप जी की बात का समर्थन करना चाहता हूं कि एक या दो पोस्टर लगाने से या कोई पंपलेट चिपकाने देने से कौन सा पर सोमेंद्र जी एक सवाल उठता है, उस सवाल के साथ मैं विमल जी आपके पास आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं बाहर से समाज से एक आवाज़ आती है कि छात्र संघ जो चुनाव हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, बाहरी तत्वों का इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है, कहीं ना कहीं गुंडागिरी का माहौल भी बन जाता है, क्या कहेंगे? ये लिंगदो कमेटी के बारे में आप कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट के लोकसभा के ये विधानसभा के चुनाव में लागू क्यों नहीं होती है? ये छात्रों पे तो आप करना चाहते हो कि इनके फौजदारी का कोई भी एफ आई आर हो गई है वो चुनाव के लिए योग्य नहीं है, ये पार्लियामेंट के जो जितने मुकदमे हैं मर्डर केस है उन पर लागू क्यों नहीं करते हैं? अब जहाँ तक सवाल है यूनिवर्सिटी का है कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ माहौल होता है चुनाव का, लिंगदो कमेटी सिफारिश जब जाओगे जब आप चुनाव घोषणा कर देंगे क्या उस पीरियड में आचार संहिता लागू होगी? अब जहाँ तक ये प्रचार का तरीका है, पोस्टर छपा रहे हैं या कर रहे हैं, ये तो लेचर अपना प्रचार तो करेगा। पहले देखो छात्र नेता होते साल भर पॉलिटिक्स में काम करते थे और लगे रहते थे, फेल भी हो जाता था दोबारा उसके लिए प्रयास करता था, लेकिन अब क्या है कि आपके नियम ऐसे आ गए कि वो साल भर कोई राजनीति में स्टूडेंट काम नहीं करेगा। अब वो जो चुनाव आएगा महीने भर में जितनी पब्लिसिटी करना वही उसके पास रास्ता है। अब वो मान लो साल भर काम कर रहा है और फेल हो गया तो एलिजिबल नहीं होगा, क्या ये भी एक बहुत बड़ा कारण है आपका जो ये विमल जी एक सवाल है जो मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, क्या लगता है कि लिंगदो कमेटी की जब सिफारिशें लागू की गई कहीं ना कहीं आपको लगता है कि छात्र या विश्वविद्यालय इन्होंने अपने पास ज्यादा पकड़ रखी? ये तो लिंगदो कमेटी ने जो सिफारिश बनाई थी वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो विश्वविद्यालय के अंदर इस समय आ रही है, विश्वविद्यालय खत्म हो रहे हैं। आप देखिए जो आप बता रहे थे ना 80% कट ऑफ हो रही है, कोई जयपुर के अंदर कोई गवर्नमेंट कॉलेज ही नहीं है। जयपुर के अंदर जो भी है वो जो कॉलेज है ये यूनिवर्सिटी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजों की फीस अथा है तो लोग कहाँ जाएंगे? और स्थिति यह है कि विश्वविद्यालय में टीचर खत्म हो गए, अभी आया है कितने रिटायर हो रहे हैं, फैकल्टी नहीं है यूनिवर्सिटी के अंदर। हम यूनिवर्सिटियां खोलते जा रहे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन जो हमारी बची हुई जो यूनिवर्सिटियां हैं उसके पास कोई फैकल्टी नहीं है, टीचर्स नहीं है, रिटायर होते जा रहे हैं। ये जो हालत हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर गंदगी चारों तरफ देखिए, कोई स्टाफ ही नहीं, सफाई करने वाला नहीं है, विश्वविद्यालय के अंदर सफाई नहीं हो सकती, तो आप समझो शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा होगा। चलिए आपको रोकते हुए जीतेंद्र जी आपके पास आता हूँ, छात्र राजनीति का क्या लगता है, कुछ ना कुछ चेहरा बदला है और उस बदलते चेहरे में कहीं ना कहीं इन सिफारिशों को ऐड करने की बात हुई थी? देखिए ऐसा है कि ये जो सिफारिशें हैं ये सिफारिशें जिस समय बनाई गई और जिस प्रकार के माहौल में बनाई गई उस बात में और जो वास्तविकता यहाँ पर जो चलती है कॉलेजेज और यूनिवर्सिटी के अंदर उसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि अगर आप पोस्टर नहीं छपाएंगे, पंपलेट नहीं छपाएंगे, आप ये सोच देखो कि जब क्लासेस नहीं लग रही है तो वह व्यक्ति अपना प्रचार कैसे करे? अखबार में वो दे नहीं सकता, एड और पंपलेट छपा नहीं सकता, पोस्टर छपा नहीं सकता, वहाँ पर और कुछ कर नहीं सकता, क्लासेस लगती नहीं है, तो उसके पास में कोई दूसरे चारा नहीं बचता है। इसलिए प्रैक्टिकल जो स्थितियाँ हैं, प्रैक्टिकल स्थिति में और यहाँ की ये लिंगदो कमेटी की सिफारिशों में इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए प्रैक्टिकली अगर इसको देखा जावे तो इन सिफारिशों के अंदर कई प्रकार की खामियां हैं। क्या क्या जितेंद्र जी इन सिफारिशों को लागू करते समय धरातल पर नहीं सोचा गया? नहीं धरातल पर सोचा गया, परंतु जिस प्रकार की स्थिति के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का उन लोगों ने विचार किया उन कॉलेजेस की स्थिति में और इस राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर और राजस्थान में जिस प्रकार के कॉलेज में और शिक्षा का जो माहौल वर्तमान में है उनमें बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने दृश्य देखा प्राइवेट जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं जहां एसी कमरे वगैरह होते हैं उनकी स्थितियों को देख करके सिफारिशें बनाई, जबकि वास्तविकता में जो प्रैक्टिकल माहौल है यहां पर कॉलेजेस का रहता है, यूनिवर्सिटी का रहता है, उन स्थितियों के अंदर और उन स्थितियों में बहुत बड़ा। चलिए आपको रोकता हुआ एक बार प्रताप जी आपके पास आ रहा हूं, शुरुआत आपसे हुई थी और समर्थन सबसे पहले आपने किया था, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक लिमिट एक बाउंडेशन जरूर होनी चाहिए? तो बाउंडेशन तो पूरी बाउंडेशन कर दी,
फाउंडेशन करे ना, लेकिन बाउंडेशन पूरी कर दी, बाउंडेशन तो इनपे करो ना। ये जो वीसी वगैरह आते हैं चार दिन के लिए, तीन साल के लिए आते हैं, आप एक बात समझ लीजिए, ये सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। जो बड़े लीडर्स हो गए ना, वो ये मानते हैं कि जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जो स्टूडेंट बैठा है, जो यूथ पावर है, इसको कहीं ना कहीं प्रेशर में लेके रखना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी ये चाहती है कि स्टूडेंट पावर यदि खड़ी हो गई तो कहीं ना कहीं ये पावर कहीं हमारे सामने चुनौती खड़ी नहीं हो जाए। तो जहां बंधन हुआ तो बहाना मिल गया सब लीडर्स को कि भाई ये तो कोर्ट ने पाबंदी लगा दी, लिंग दो कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, हम क्या करें। यदि फिर भी ठीक है, इस बार चुनाव करवाए गए लेकिन लिंग दो कमेटी में चेंज नहीं हो। मैंने असेंबली में भी कहा था, ये लिंग दो कमेटी स्टूडेंट्स को तंग करने का जरिया बन गई है। आप एक बात बताइए, विमल जी ने बहुत बड़ी बात कही कि आप जब चुनाव की तारीख घोषित करेंगे उसके बाद से ही तो आचार संहिता लगाओगे। आज विधानसभा लोकसभा में आपका इलेक्शन जब घोषित होता है तभी तो आप ये तय करते हो भाई आज से आचार संहिता लग गई। अभी तो यहाँ इलेक्शन ही घोषित नहीं हुए, उससे पहले ही यहाँ का प्रशासन वो लग गए। अब आजकल क्या धंधा चालू हो गया कि स्टूडेंट्स पे केस लगा दो। आजादी के बाद जितने केस नहीं लगे इस बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में लगे हैं। और मैं आज कह दूं आपको, प्रताप जी मैं आपको यहां पर एक बार रोकूंगा और रोक के फिर आपके पास मैं लौटूंगा इसी सवाल के साथ, जो इन्होंने एक सवाल उठाया उसी के साथ वापस लौटेंगे। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। चुनाव शुरू करने की बात कही गई थी, ये हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, मुझे तो इस स्टूडेंट को फंसाना है। लिंगो कमेटी की, लेकिन मैंने ये देखा है धरातल पर नहीं सोचा गया स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करने की, क्या चुनाव शुरू करने की बात कही गई थी। ये हायर एजुकेशन का स्टूडेंट है, मुझे तो इस स्टूडेंट को फंसाना है। लिंगो कमेटी की, लेकिन मैंने ये देखा है धरातल पर नहीं सोचा गया स्टूडेंट मूवमेंट को खत्म करने की, क्या साजिश। आम आदमी की बात, सच्चे उठ रही है यहाँ पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे प्रताप जी के साथ, हमारे साथ अब मनीष यादव भी जुड़ चुके हैं, जो काफी लंबे समय बाद जब छात्र संघ चुनाव हुए थे तो मनीष अध्यक्ष बने थे और विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री भी रहे। मनीष और सुमित दोनों छात्र संगठनों से हो यहाँ। सुमित मनीष दोनों, जब छात्र संगठन लिख दो कमेटी की सिफारिशों की बात होती है और हुई भी थी, तब छात्र संगठनों ने आगे बढ़कर स्वागत किया था कि हाँ इन सिफारिशों को लागू कीजिए, प्रतिनिधित्व मिलेगा, कुछ कैंपस का माहौल भी सुधरेगा। लेकिन आप ही के लोग जब माहौल सुधरने की बात होती है तो उस माहौल में कहीं ना कहीं आगे बढ़ जाते हैं, पोस्टर बैनर पैसा धनबल भुजबल सब काम आता है। यहाँ मैं आपके माध्यम से एक बात क्लियर करना चाहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी लिंगदो के उनके निर्देशन में, उन्होंने मात्र अपनी सिफारिशें दी थी, उन्होंने कोई आदेश जारी नहीं किया था। उनकी सिफारिशों में विभिन्न सिफारिशें थी कि आप इन तरीके से छात्र संघ चुनाव करवा सकते हैं, लेकिन विसंगति ये रही कि छात्र संघ चुनाव में जो सिफारिशें लागू होनी चाहिए थी ठीक प्रकार से अधिकतर राज्यों में नहीं हो पाई। विसंगतियाँ मैं आपको राजस्थान में आपको एग्जाम्पल दे दूँ, जहाँ जोधपुर यूनिवर्सिटी में एक छात्र जो पीएचडी कर रहा है 28 वर्ष तक का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र यूनिवर्सिटी परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकता, केवल 25 वर्ष तक ही लड़ सकता है। मैं बात करूँगा दिल्ली विश्वविद्यालय की, तो वहाँ अगर फर्स्ट ईयर का छात्र है किसी कॉलेज का, वो भी यूनिवर्सिटी परिषद का इलेक्शन लड़ सकता है। लेकिन मैं बात करूँगा राजस्थान विश्वविद्यालय की, तो यहाँ केवल पीजी का छात्र ही यूनिवर्सिटी परिषद का चुनाव लड़ सकता है। तो ऐसी विसंगतियाँ कहीं ना कहीं ये ऊपर वालों को सोचने की जरूरत है। जहाँ तक बात आती है लिंग दो कमेटियों की सिफारिशों की, अधिकतर पे तो हम सहमत थे, लेकिन कुछ पे हम सहमत नहीं थे, जिसके लिए एनएसयूआई ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर रखी है। सबसे बड़ा कमी जो इसमें है कि केवल छात्र एक बार ही चुनाव लड़ सकता है। अब किसी बच्चे ने उपाध्यक्ष से चुनाव लड़ा, वो हार गया तो अगली बार वो अध्यक्ष लड़ ही नहीं सकता, एक बार तो आदमी ठोकर खा के सीखता है। ये नियम आप MLMP पे क्यों नहीं लगाते, सरपंच पे क्यों नहीं लगाते, तो निश्चित रूप से विसंगतियां हैं लिंगदो कमेटी के अंदर। मनीष आपके पास आ रहा हूँ, अगर विसंगतियां हैं जैसा कि सुमित कह रहे हैं, आप भी एक छात्र संगठन से, और क्यों नहीं छात्र संगठन ने उस समय आवाज उठाई, क्या सिर्फ इसलिए स्वीकार की उन सिफारिशों को कि एक बार चुनाव तो शुरू हो। नहीं आशीष जी, मैं आपकी बात जो आप बता रहे हो कि लिंग दो समिति ने जो सिफारिश दी छात्र संघ चुनाव को लेकर, पूरे देश भर में छात्र संघ चुनाव लिंग दो की सिफारिश के अनुसार हो, ऐसा लिंग दो ने कहा। लेकिन जब लिंग दो ने सिफारिशें ली तो विद्यार्थी परिषद ने शुरू में मंच पर जाकर सब जगह जाकर ये रिकमेंडेशन के लिए प्रयास किया कि देश भर में छात्र संघ के चुनाव में धनबल और बाहुबल कम हो, इसके लिए विद्यार्थी परिषद शुरू से संघर्षरत रही। लेकिन जहाँ छात्र संघ, मेरा 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 सवाल वही है, आप दोनों छात्र संगठन इसके इसको मानते हैं अंगीकृत करते हैं, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो वो नजर नहीं आता। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, विद्यार्थी परिषद
विद्यार्थी परिषद इसको मानती है, लेकिन जहां मैं मेरे व्यक्तिगत तौर पे कहता हूं, मैंने छात्र संघ का चुनाव लड़ा, जहां 5000 लिंगदो की एक लिमिट है कि 5000 में आप छात्र संघ का चुनाव लड़े, लेकिन एक वो वास्तविकता में 5000 का आप खर्चा बढ़ा के दे सकते हो जी कि मैंने 5000 में चुनाव लड़ा है, लेकिन ऐसा